हाँ जी, देखो आप, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जिसको मैंने टाइप टू नाम दे दिया। टाइप वन में क्या था कि न्यू पार्टनर जो भी है वो कैपिटल लेके आएगा। फर्स्ट वाले मेथड में मैंने आपको करवाया था कि न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आएगा, और जब कैपिटल लेके आएगा तो फिर उसको एडजस्टेड बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले मेथड में न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, एडजस्टेड कैपिटल कराएंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किसमें मैच होगा हमारा, या तो कैश अकाउंट से मैच हो जाएगा या फिर करंट अकाउंट से। अब ये नेक्स्ट देखो, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है एडजस्टेड कैपिटल, टाइप टू मैंने नाम दे दिया, कॉन्सेप्ट टू बोल सकते हो। व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी एग्जाम्पल ए और बी, जैसे मैंने यहां पे लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है, और कहां पार्टनर है, इन पार्टनरशिप फर्म, और इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट, इसका मतलब एक्स और वाई पार्टनर है, इसका रेशियो है 1:1, एंड जेड इज एडमिटेड, जेड एडमिट होता है 1/3 के लिए, जेड पार्टनर आ गया 1/3 के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, यानी मैंने आपको न्यू पीएसआर बता दिया एक्स का, वाई का और जेड का, ये आ गया 1:1:1। एक्स का कैपिटल भी मैंने इन्फॉर्म किया, बताया हुआ है आपको, एंड वाई का कैपिटल भी बता दिया है। एक्स का कैपिटल जो मैंने बताया हुआ है वो एक्स का कैपिटल है मेरा 30,000, एंड वाई का कैपिटल, और एक्स और वाई कौन से पार्टनर है हमारे, ओल्ड पार्टनर है, एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है, इन दोनों का कैपिटल भी दे रखा है, जेड का शेयर 1/3 है। जेड ब्रिंग बोलता है जेड लेके आएगा कैपिटल, ऐसा नहीं है कि नहीं लाएगा, लेके आएगा, लेकिन बोलता है जितना भी फर्म का कैपिटल होगा ना उसका 1/3 ले आऊंगा, फर्म का कैपिटल होगा उसका 1/3 ले आऊंगा। तो मैं सबसे पहले पूछता हूं फर्म का मतलब क्या है, फर्म के अंदर कौन कौन है, तीनों, और जेड बोलता है मैं वही कैपिटल लेके आऊंगा, पहले पूरे फर्म का बताओ। पूरे फर्म का तब तक नहीं पता चल सकता जब तक किसका ना पता चल जाए, जेड का, ठीक है। यानी यहां पे थोड़ा सा जेड ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सिचुएशन, पहले मुझे पूरे फर्म का निकाले या पहले जेड का, अगर जेड का बता देता तो मैं क्या करता, कंबाइन, फिर तो कैपिटल निकालने की जरूरत था ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन क्या बनेगा मेरा, कैलकुलेशन ये बनेगा मैं ये कर सकता हूं, फर्म का कैपिटल हमें पता है नहीं पता, नहीं पता, पुराने फर्म का पता है, पुराने फर्म का कौन सा है, ये दोनों, नए फर्म का हमें कैपिटल ही नहीं पता। इसका मतलब सिंपल कि नए फर्म का कैपिटल को हम लेट कर लेते हैं एक्स, नए फर्म के कैपिटल को लेट कर लेते हैं हम क्या, एक्स, और एक्स के इजिकल टू में एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड रख सकता हूं मैं। ये एक्स मैंने पूरे फर्म का माना है स्मॉल एक्स, और ये एक्स कौन है पार्टनर, और ये कौन है पार्टनर, और ये कौन है पार्टनर। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्स इजिकल टू, एक्स का कैपिटल पता है 30,000, वाई का कैपिटल 60,000, और ध्यान से अगर देखें तो जेड क्या बोलता है, मैं भी कैपिटल लेके आऊंगा 1/3, लेकिन फर्म के कैपिटल का, तो मैं इसका बोल सकता हूं यहां पे कि एक्स बाय थ्री हो जाएगा, ये एक्स बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं फर्म के कैपिटल का, फर्म का कैपिटल क्या लेट किया एक्स, और उसका 1/3 आएगा। अब मैं यहां पे इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, और इक्वेशन को सॉल्व जब करूंगा तो क्या आ गया हमारा 60,000,
और प्लस 30 90 और प्लस में x बाय 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू सॉल्व करते हैं ये क्या आ जाएगा हमारा 2x बाय यानी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 2 135 और ये 135 क्या है हमारा ये x का वैल्यू है ये पूरे फॉर्म का निकल गया। अब पूरे फॉर्म में से अगर मुझे निकालना हो z का तो निकालने का तरीका आसान है, या तो मैं 90 माइनस कर दूं इसमें से किसका निकल जाएगा क्योंकि दो पार्टनर का माइनस कर दो बाकी किसका बच जाएगा थर्ड का, या फिर दूसरा तरीका मेरे पास ये है z कैपिटल इज इक्वल टू 1,35,000 मल्टीप्लाई 1 बाय कितने का आ गया 45,000 रुपए। अगर मैं बताऊं तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस था हमारा, लेंथी प्रोसेस था। ये समझाने के लिए मैंने पहले आपको कराया कि पहले मैंने फर्म का कैपिटल माना एक्स और उसके इक्वल रखा। अगर मुझे करना हो ये क्वेश्चन तो मैं सिंपल तरीके से फॉलो करूंगा इसको। सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा जेड का रेशियो क्या है, जो न्यू पार्टनर 1/3। अगर जेड का रेशियो 1/3 है, टोटल फर्म का मैं रेशियो 1 मानता हूं, तो मैं अगर टोटल फर्म का 1 है अगर उसमें से z का माइनस कर दूं 1/3 तो 2/3 आ जाएगा। इट मींस दो पार्टनर का कैपिटल इज इक्वल टू 2/3 के बराबर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों पार्टनर का कैपिटल ऐड करूंगा 90,000 रुपीज और रेशो को रिवर्स कर दूंगा 3/, ये मेरे पूरे फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले सिचुएशन के अंदर जो मैंने करा है इसमें मुझे एक्स वगैरह लेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने दोनों प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चों को इससे अच्छे से समझ में आता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो समझाने के लिए मैंने ये बताया। शॉर्टकट में क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का रेशो पता करो और 1 में से माइनस कर दो और उस रेशो को रिवर्स करके टोटल कैपिटल में से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा पूरे फार्म का कैपिटल। और भी आसान तरीका देखो, यहीं पे मैंने ये क्या है मेरा, ये इज इक्वल टू पूरे फर्म का कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी यहीं पे मैंने सी का रेशो भी रख दिया और उससे मेरा क्या होगा हमेशा ऑलवेज देखना कट जाएगा ये और बहुत इजीली निकल जाएगा, लेट एक्स करके लेंथी होगा। तो मैंने दोनों प्रोसेस बताया। अब देखो इसके अंदर फर्म का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके नहीं आने वाला, हमें निकालना पड़ेगा उसका कैपिटल, और उसके कैपिटल को निकालने के लिए हमें एक्स के इक्वल टू पूरे फॉर्म का कैपिटल रख के मैंने निकाला, या फिर मैंने दूसरा मेथड आपको ये बता दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये सेकंड है। और बाकी जो ये वाला मैंने पूरा किया है यहां से यहां तक का, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है फर्स्ट मेथड है। पार्टनर्स कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल में सिंपली कैसे बनेगा, तीन पार्टनर सबसे मेन ये ध्यान रखना आपको रेशो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रेशो कह रहा हूं मैं, एडजस्टेड कैपिटल पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कौन सा मेथड लगाएंगे। अब बच्चे बार बार पूछते हैं हमें कैसे पता चले, तो सिंपल सा रूल है उसके अंदर कैपिटल था न्यू पार्टनर का और इस वाले कॉन्सेप्ट में कैपिटल नहीं होगा। जिसमें कैपिटल नहीं होगा लेट एक्स करके कर लेते हैं, जिसमें कैपिटल होगा उसमें टोटल फर्म का कैपिटल निकाल के फिर प्रोपोर्शनेटली कर देते हैं। अब यहां पे बाय बैलेंस बीडी लिखूंगा मैं, बीडी क्या आ गया इसका, पहले से दे रखा था मैं बीडी 30 और 60 और न्यू पार्टनर का कैपिटल अब कैश में लेके आएगा ये 45 और ये बैलेंस सीडी बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी 30 60 और 45। अब इसके अंदर पता है आपको, सबसे पहले एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको, सिंपल सा देखना आप, मान लो रिजर्व होता 10,000 रुपए, रिजर्व कितना होता, तो नाउ सबसे पहले मैं रिजर्व यहां पे बांटता बाय जीआर के नाम से,
और यहां बट जाता इसके हिस्से में पांच पांच। तो मैं जो दोनों का कैपिटल यहां पे कंसीडर करता वो 90,000 नहीं लेता, मैं 1,00,000 रुपए लेता। मैं कितना लेता? मैं 1,00,000। इट मींस जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने एग्जांपल में इतना स्मॉल लिखा है, इतना मैंने कंक्रीट लिखा हुआ है इसमें कि आपको समझ में आए, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पे जो मैंने ये कैपिटल लिया है ना, एक तरीके से मान लो ये बैलेंस सीडी जो निकलेगा इसका, वो दोनों का टोटल होना चाहिए यहां पे। यहां पे क्या लेंगे? जो बैलेंस सीडी निकलेगा, अगर मेरा यहां रिजर्व होता तो ये कितना होता 35 और ये कितना होता 65, वो सीडी आता 35 और 65, देन मैं यहां पे लेता 35 और 65। मतलब ये सिर्फ बैलेंस बीडी वाला कैपिटल नहीं है, ये बैलेंस, यानी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको पुराने पार्टनर का बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, देन उनको टोटल करना पड़ेगा, फिर लेट एक्स करो या रेशो मान के रिवर्स करके करो, वो आपकी इच्छा है। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होता तो इधर बैठता, लॉस होता तो एडजस्टेड कैपिटल आपका होगा सबसे लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में जाके। यानी ये बैलेंस सीडी अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये 30,000 रुपए, पता है मैंने कैसे लिखा होगा? 30,000 मैंने लिखा होगा इसका टोटल करके, फिर टोटल, फिर सीडी, ये सीडी मैंने उठा के यहां लिखा है 30,000, ना कि ये वाला लिखा है मैंने 30,000। इस चीज को समझो आप, ये 30,000 रुपए कहां से आया? ये वाला सीडी मैंने यहां पुट किया है। और ये 60,000 कहां से आया? ये वाला नहीं है, ये वाला जो है हमारा वो 60,000 रुपीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यानी यहां पे बैलेंस सीडी का टोटल करेंगे पुराने पार्टनर का, उसके बाद लेट एक्स करो, चाहे आप रेशियो को रिवर्स करके इजीली निकाल सकते हो। तो अगला कॉन्सेप्ट ये रहेगा, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यहां पे बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं निकलने वाला जनरली, क्योंकि ये पार्टनर जो कैश में है वो कैश अकाउंट में चले जाएगा। यानी पहले वाले टॉपिक से ये आसान टॉपिक है, बस यहां पे आपको थोड़ा मेहनत करना है। तो एक बार इसको आप नोट कर लो, इसके बाद मैं होमवर्क दे देता हूं आपको। हाँ जी, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आता है तो इस साइड आएगा, फिर बैलेंस सीडी लॉस को माइनस करने के बाद आएगा, वो आएगा यहां पे। यानी फाइनल बैलेंस सीडी जो होता है पुराने पार्टनर का, उसी को टोटल करना है, बीडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा न्यू फर्म का, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपकी इच्छा है बीडी करके कर सकते हो, लेकिन हमेशा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बोलेगा आपको।